नमस्कार दोस्तों, एग्जाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्टरल मॉडल ऑफ होयट। ठीक है, सेक्टरल मॉडल ऑफ होयट देखेंगे। इसमें क्या है कि ये किसके अपोजिशन में आया, आप पिछले वीडियो में देख रहे हैं ई बर्ज का कॉन्सेंट्रिक जो रिंग होता है उसके अपोजिशन में आया। तो सेक्टरल मॉडल क्या बोलती है कि जो सिटी होती है एक स्पेसिफिक रिंग में यानी कॉन्सेंट्रिक रिंग में डिवाइड नहीं होती है, ये इसको अपोज करता है। बोलता है कि जो स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ वाले जो काम होते हैं वे एक सेक्टर में डिवाइड होते हैं। ठीक है, यानी टाउन क्या होता है, बहुत सारे सेक्टर में डिवाइड होता है और सेक्टर एक कॉन्सेंट्रिक रिंग में नहीं होता है। क्या बोलते हैं, सेक्टर एक कॉन्सेंट्रिक रिंग में होता है, ये होयट बोलते हैं। तो इनका जो मॉडल आया सेक्टरल मॉडल इन 1939 में आया। आपको पता होगा कॉन्सेंट्रिक रिंग मॉडल 1925 में आया था, इसके अपोजिट में 1939 में होयट का सेक्टरल मॉडल आया। तो क्या बोलते हैं कि जो सिटी का इंटरनल स्ट्रक्चर था उसमें सीबीडी तो होता ही है। एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं, एक सीबीडी होता है, सीबीडी सिटी का सेंटर होता है, फिर लाइट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, ये सेक्टर डेवलप होता है एलोंग द ओल्ड रूटेज रोड या रेलवेज। मान लो ये सीबीडी है, इसके कनेक्ट करने वाला रोड है, ये रोड का कनेक्टिविटी है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडस्ट्री, यहाँ पे इंडस्ट्री का सेक्टर डेवलप होगा। यह है इंडस्ट्री का सेक्टर, यानी लाइट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप होंगे। फिर क्या होता है, लो इनकम ऑफ रेजिडेंट एरिया अराउंड द लाइट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि सेक्टर मॉडल क्या बोलता है कि लो इनकम पीपल का एरिया यहाँ पे होगा, कहाँ पे, इसके आजू बाजू, यानी जो इंडस्ट्री है उसके अराउंड में लो इनकम ऑफ पीपल वाले रेजिडेंट एरिया होगा। फिर मिडिल इनकम वाले एरिया यहाँ पे बनेंगे, मिडिल इनकम वाले एरिया लो इनकम वाले के बाजू में बनेंगे, यहाँ पे मिडिल इनकम वाले एरिया बनेंगे, फिर हाई इनकम वाले एरिया, ऐसे सेक्टर का डिफाइन होगा जो सीबीडी के पास में होगा। तो यह है हाई इनकम वाले, ये हैं मिडिल इनकम वाले, और ये हैं लो इनकम वाले रेजिडेंट। ये है मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर डेवलप होता है वो क्या होता है, एलोंग द ओल्ड रोड कनेक्टिविटी की बात होता है, ये होता है सीबीडी। तो एक कॉन्सेंट्रिक रिंग में ना बदल के एक सेक्टर, जो सिटी का डेवलपमेंट होता है, सिटी का लैंड यूज होता है, वो क्या होता है, एक सेक्टर वाइज होता है। आपको इंडिया में भी देखने को मिलेंगे जो सेक्टर है, जैसे आप देखोगे जो प्लांट सिटी है, जैसे बोकारो स्टील सिटी है और चंडीगढ़ है, वहाँ पे अब सेक्टर मॉडल आप देखने मिलेंगे, सेक्टरल मॉडल इस तरह के देखने को मिलेंगे, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होगा, उसके आजू बाजू लो इनकम वाले रेजिडेंट मिलेंगे, उसके आजू में मिडिल इनकम वाले रेजिडेंट मिलेंगे, फिर एक स्पेसिफिक आपको देखने को मिलेगा क्या, हाई इनकम वाले यानी ऑफिसर रैंक वाले पीपल यहाँ पर रहेंगे। तो इस टाइप का सेक्टर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये रहा सेक्टरल मॉडल का, होयट का सेक्टरल मॉडल जो अपोज करता है कॉन्सेंट्रिक मॉडल में। ये थोड़ा सा रियलिटी आपको देखने मिलेंगे, इंडिया में भी इस टाइप का टाउन देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में नए मॉडल के साथ। थैंक यू।